आज केवीएस के एक मॉक इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ रमाकांत जी हैं और हम एक डेमो मॉक इंटरव्यू टेस्ट करने जा रहे हैं। और डेमो मॉक इंटरव्यू का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण प्रदेश से जुड़े हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि हम केवीएस का मॉक इंटरव्यू कैसे फेस करें। और आज हम केवीएस के जो मॉक इंटरव्यू का जो पैनल होता है उस पैनल की बात ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे उसी की बात ही काम करें। तो रमाकांत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपके साथ ही इस मॉक इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? यस सर। डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं चलिए, अब यहीं से हम शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रामीण प्रदेश के जो लोग हैं जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो कैसे मॉक इंटरव्यू को फेस करेंगे, इंटरव्यू कैसे पैनल को फेस करेंगे, उनके लिए सहायक होने के लिए यह हम मॉक इंटरव्यू का पैनल आपके लिए लेकर आए हैं और ये सभी के लिए है। तो आज हम रमाकांत जी से शुरू करते हैं। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। रमाकांत जी, अब आप तैयार हो जाएं। तैयार यस हैं सर, आप? रेडी। यस ठीक है। सर। सबसे पहले इंटरव्यू की जो शुरुआत होती है, गेट खुलता है, गेट खुलने के बाद आपकी एंट्री होगी। तो आप एंट्री कर चुके हैं, यहीं से अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। तो आपका परिचय? सर, मेरा नाम रमाकांत यादव है। हम जौनपुर के उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और अभी मेरा हाई स्कूल का जो हाई स्कूल जो मैंने उपयोग किया नेहरू इंटर कॉलेज पटना से किया है और इंटर की परीक्षा भी वहीं से की है। और ये सर मेरा डॉक्टर नाम मनोलोहिया वाल्मीकि से है। और फिर मैंने जो PNP प्रयागराज के द्वारा या CRT के द्वारा जो चलाए जाते हैं और डायट के अधीन मैंने DLED किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और मैंने CTET पास। और सर मेरी हॉबीज है देशभक्ति सांग और भक्ति सांग और मजीरा बजाना और दफली बजाना। और सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी कार्य को स्वयं से सीखता हूँ और किसी कार्य को जब तक कर नहीं लेता हूँ तब तक सुनता भी नहीं हूँ। सर मेरी वीकनेस है, मैं कभी कभी जैसे ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ बिना सोचे समझे या फिर किसी चीज़ में भाग लेना। जैसे इमोशनल होकर के एक तरह से अगर ये कह ले कि जैसे मैं मान लीजिए आपके सामने मैं मॉक इंटरव्यू देने आया हूँ, तो इसके पहले जब मैं किसी के सामने चेहरा फेस करता था तो मुझे थोड़ी सी अटपटा सा महसूस होता था। लेकिन अब जो है एक दो बार जैसे पिताजी के सामने और भाई जी के सामने देने के बाद मैं अपने आप को सहज महसूस अच्छा, मतलब आप अब सहज महसूस करते हैं। तो आपका वीक जोन क्या रहा? करता यही आपका हूँ। वीक जी जोन सर, रहा वीक है? जो मतलब ये जी जी सर यही वीक जो रहा है। अच्छा, आपका अगर कक्षा कक्ष में अगर आप हैं और अचानक से कोई बच्चा स्टूल से गिर जाए या बेंच से गिर जाए और उसकी खुदा न खास्ता हाथ में से ब्लडिंग होने लगे या पैर से ब्लडिंग होने लगे या कहीं सर में चोट लग जाए, ब्लडिंग होने लगे, तो उस दशा में जो ये आपका वीकनेस है, ये बच्चों के सामने कैसे कैसे आप प्रेरित करेंगे बच्चों के, या उसे क्या करेंगे आप उस बच्चे के साथ? तो उस समय सर जैसे अगर बच्चे की क्लास के दौरान कुछ होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी मैं बच्चे के पास जाऊं और उसका कारण देखूं, बच्चे को चोट लगी है और स्कूल में मेडिकल से सुविधाएं जुड़ी भी होती हैं KBS स्कूल में, मैं तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन करूंगा और मेडिकल के लिए जाऊँगा। नहीं, अभी आपने ये बताया ना कि आपका ये वीक जोन है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो उस समय क्या करेंगे जब बच्चा सर बिल्कुल डर गया? नर्वस मैं जैसे किसी के सामने मॉक इंटरव्यू फेस करना था तो पहले होता था। अब मैं जब से दो चार बार पिताजी के सामने और भाई जी के सामने अपने आप को फेस किया तब से ये वीकनेस में मेरे काफी सुधार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुधर भी जाए। अच्छा, कक्षा कक्ष के अंदर है, मान लीजिए आपको कक्षा 4 मिलता है पढ़ाने के लिए, तो इसको आप जी कैसे अपनी मजबूती बना के बच्चों के सामने रखेंगे कक्षा 4 में? जी अपने वीकनेस इस वीक सर, जून को कैसे मजबूती बनाएंगे कक्षा 4 की कक्षा कक्ष में? कक्षा 4 में सर मजबूती बनाने के लिए तो मैं पहले अपने आप को बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों के परिवेश से जुड़ जाऊंगा कि बच्चे का परिवेश क्या है, उसी परिवेश अकॉर्डिंग बच्चे के साथ पढ़ाऊंगा कि बच्चा बने। अच्छा, अभी तक आपने जो एकेडमिक पढ़ाई की है, अब जैसा आपने बताया कि हाई स्कूल इंटर आपने एक ही विद्यालय से किया है जो गांव से जुड़ा हुआ था, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने डायट से DLED कोर्स किया, इन सभी जी एकेडमिक पढ़ाई का आप अपने KVS में कैसे जी इस्तेमाल करेंगे? अगर आप एक बतौर शिक्षक बन जाते हैं और एक सरकारी शिक्षक होते हैं, तो इन सब एकेडमिक पढ़ाई का बच्चों के साथ कैसे आप यूज करेंगे, यूटिलाइज इसका कैसे करेंगे आप? सर, KB हमें जैसे विविध प्रकार से कई चीज KB में विविध कल्चर देखने को मिलते हैं। जैसे हम जाएंगे तो KB में अनेक टीचर रहेंगे, अनेक बच्चे रहेंगे, तो हमारा कल्चर एक उनसे अलग होगा। हम अपने कल्चर के तहत जैसे अपनी कल्चर का प्रचार प्रसार करना और मेरे कल्चर से वो कुछ सीखेंगे, हम उनके कुछ कल्चर से सीखेंगे। जैसे हमारे यहाँ लोकगीत, राष्ट्रगीत और कजरी होती है संगीत के क्षेत्र में, तो
तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगा। और मैं अपने दिनों में जैसे विद्यालय में गाना गाते थे, मेरी हॉबीज है, मैं अपने गीत के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करूंगा। और जैसे हाई स्कूल में जिस तरह से हम लोग पिछड़े हुए कह ले कि गांव से आते हैं, तो हम लोग पिछड़े नहीं है, तो हम लोग शायद सोच पिछड़ी हुई है। और जो चीजें घरेलू चीजें अपने दैनिक जीवन को जोड़ करके, जैसे टीएलएम की, जिसे अपने दैनिक जीवन में जो है सारी वस्तुओं को मैं टीएलएम के रूप में लेकर के प्रस्तुत करूंगा वहां। अच्छा, आपका पसंदीदा विषय क्या, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है, और केबी में आप कौन सा विषय पढ़ाना हिंदी पसंद करेंगे? ये भी सर, अगर मेरा प्राथमिक में होता है तो मुझे देखिए चारों सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, इसलिए मुझे चारों सब्जेक्ट में पकड़ है। मतलब अगर प्रायिकता पूछा जाए कि सर रमाकांत सर मुझे आपसे केवल एक सब्जेक्ट भी पढ़ाना है और सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग कक्षा में, तो किस विषय तो को ज्यादा प्रायिकता आप मस्त मैं देंगे? सर हिंदी हिंदी को दूंगा, तो हिंदी को ही क्यों देंगे? हिंदी को श्रेय दूंगा सर, कि मेरी मदर टंग हिंदी रही है और मैं हिंदी में काफी बच्चों को अच्छी तरह से समझा भी सकूंगा, जैसे अगर आप पूर्वोत्तर कविता भारत के में, माध्यम अगर से, मान गीत के लीजिए माध्यम। आप दक्षिण भारत में जाते हैं और आपका चयन दक्षिण भारत के केवी में होता है, तो वहाँ पे अपने मदर टंग को वहाँ के बच्चों के साथ कैसे सब जोड़ेंगे? सर वहां के बच्चों के साथ मैं जोड़ूंगा, अभी जैसे मेरी हिंदी है मदर टंग, तो मैं इंग्लिश बोल भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, जैसा सिचुएशन रहेगा। जैसे कि भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है, तो मैं उस तरह से उनके अकॉर्डिंग करूंगा। भाषा के समावेशी शिक्षा में आप केबी को यस कैसे देखते हैं? जैसे आपका जो चयन होने के बाद आप भारत के अलग अलग बाइलिंगुअल राज्यों में सर, जाएंगे, तो उसमें बाइलिंगुअल आप कैसे देखते हैं, आपकी भाषा की समावेशी कक्षा क्या है? अगर आपकी नज़र से अगर हम जानना चाहें कि भाषा की समावेशी कक्षा क्या है या भाषा विविधता क्या है? भाषा विविधता सर, अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है और पहले से भी रही है कि बच्चों को 1 से लेकर 8 तक उनकी मातृ शिक्षा में ही, मदर टंग में उनको शिक्षा दी जाए। जैसे कोई तमिलनाडु का बच्चा है और उसकी जो मदर टंग है वो तमिल है लेकिन आपकी हिंदी है, यस सर, अगर आपकी वहाँ पे हो जी जाता सर, है तो आप बच्चों कैसे समझेंगे या बच्चा आपको कैसे समझेगा? तो सर जैसे तमिल में हो जाता है तो बच्चे में, क्लास में लगभग जितने बच्चे रहेंगे तो उसमें से कुछ जरूर बच्चे जैसे यहाँ के रहेंगे, यूपी से रहेंगे या फिर बाहर से रहेंगे, तो मेरी बात को समझ पाए। तो एक क्लास का सिचुएशन, मैं उनकी मित्रता, अगर मैं डायरेक्टली तमिल को नहीं समझ पा रहा, मैंने तो पहले प्रयास करूंगा कि मैं तमिल को खुद समझूँ और बच्चों को तमिल में ही समझाऊँ। अगर यदि मैं तमिल नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं तमिल सीखने का प्रयास करूंगा, तब तक के लिए बच्चे से, जो बच्चे जुड़े हैं उनकी एक्टिविटीज से, उनके संकेत से वो समझते हैं, तो बच्चे के अकॉर्डिंग उन्हें समझाऊं। आप केवीएस में ही शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? सर केबीएफ से मेरा शिक्षक, जब मैं इंटर पास हुआ, हमारे गांव में एक पाठक की करके गुरु जी थे, वो केबी में टीचर थे, जब वो आते थे मुझे बताते थे केबी में ऐसे होता है, असेंबली हॉल में, फिर प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, और किसी विद्या किसी जोन में आप फिर 3 साल तक रह सकते हैं, आप जो है पूरे भारत में आप भ्रमण कर सकते हैं केबी में, और भाई विविध विविध आप कल्चर देखने के मिलेंगे, विविध प्रकार के बच्चे देखने के मिलेंगे, और विदेश में भी जा सकते हैं आप, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो केबी के विद्यालय, भारत से बाहर भी 3 विद्यालय वहां पर भी आपको भेजा सकता है। तब से मेरी इच्छा और चाह थी मैं केबी के लिए भी टीचर बनूँ। अच्छा, केबी में होने के बाद आप सबसे पहले किस देश में जाना चाहेंगे और क्यों? केबी में होने के बाद सर, मैं देश की अगर बात करूं तो अपने भारत देश में अगर मुझे अवसर मिला विदेश जाने के लिए, से काठमांडू, मास्को और तेहरान, तो मैं सबसे पहले नेपाल जाना पसंद करूंगा, काठमांडू, नेपाल की अच्छा, राजधानी अब काठमांडू। नेपाल को ही क्यों चुना? आपके पास बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, 7 हमारे पड़ोसी देश थे, लेकिन आपने नेपाल को ही क्यों चुना? सर नेपाल को इसलिए मैंने चुना कि नेपाल मेरे समीपवर्ती है और हमारी लैंग्वेज जो है नेपाल से और यहाँ से लगभग मिलती जुलती, मैं वहां अपने आप को साझ में। कोई ऐसी 3 समानताएं बताएं, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, शैक्षिक, जो नेपाल से भारत के साथ टैली करती हो या मिलती हो। सर नेपाल से अगर टैली की बात करें कि नेपाल और भारत में आने जाने के लिए, तो पहली बात वीजा की आवश्यकता नहीं, पासपोर्ट, और शैक्षिक की बात करें तो यहाँ की भाषा वहां की भाषा में लोग सेम लगभग कह ले तो 70-70% मिलते रहते हैं, हिंदी भाषी वहाँ भी क्षेत्र है, हिंदी भाषी यहाँ भी क्षेत्र है, और जो दूसरी सेकेंड भाषा इंग्लिश है,
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो वहां भी बोली जाती है, यहाँ भी बोली जाती है, इसलिए मैंने नेपाल को ज्यादा। अच्छा, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत का नेपाल से क्या लगाव आप समझते हैं, कि क्या ऐसा चीज है जो भारत अगर को नेपाल से जोड़कर रखती है? सर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो कोहली के इसके पहले जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी थे, अभी उनका एक बयान आया था सीता जी यहाँ की थी, तो यहाँ लोग देखा जाए तो नेपाल और भारत से जोड़ा गया संबंध है। हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम सिंह भगवान जी की शादी हुई नेपाल में। जब आप केवी में आपने कहा कि आप हिंदी विषय पढ़ाना चाहेंगे, हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कई धार्मिक पुरुषों और धार्मिक भगवानों के अध्याय भी पाठ्य पुस्तिका में रखी गई है, जो रिमझिम के नाम से जानी जाती है। ऐसा एनसीईआरटी का करने का उद्देश्य क्या है कि हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक में जैसे भगवान रामचंद्र जी हैं, हजरत मोहम्मद साहब जी हैं और ईसा मसीह जी हैं, इन सबका भी जिक्र हमें एनसीईआरटी की किताबों में क्यों मिलता है? एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है कि इनको भी अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए? सर केबी जो है ये विविध कल्चर को देखने के ही जाना जाता है, और केबी का जो सिलेबस है इसमें अगर हम कह दें, चाहे हम मान लीजिए कि हम यूपी में हैं, बनारस के केबी विद्यालय में हैं, फिर अगर मेरा किसी कारणवश ट्रांसफर जो हो जाता है वो मान लीजिए दक्षिण साउथ में हो जाता है, तो होने के बाद फिर मुझे वही बुक वही किताब वहाँ मिलेगी। इसलिए इसमें दर्शाया गया, क्योंकि अगर एक ही पार्टिकुलर धार्मिक क्षेत्र को देखा जाए तो केबी विद्यालय में जो है हिंदू के बच्चे, मुस्लिम के बच्चे, सिख के बच्चे, ईसाई के बच्चे हैं। हमें किसी सभी धर्मों के बारे में बच्चों को अपने पता होना चाहिए और सभी विविधता के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैं हिंदू धर्म का हूं तो मुझे सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी ने देखते हुए सभी धर्मों को सामूहित किया है। एनसीईआरटी में अगर हिंदू धर्म का बच्चा है तो ईसाई धर्म को भी जाने, सिख धर्म को भी जाने और मुस्लिम धर्म को, जो इतने धर्म है सबको जाने बच्चा। जब जानकारी बच्चे को होगी तो किसी धर्म के बारे में आगे चल के अहेलना नहीं करेगा उसकी। भारत में कहा जाता है कि अनेकता में एकता है। जी एक लाइन में अगर आप कहना चाहेंगे तो कौन सा एग्जाम्पल देकर इसको साबित करेंगे? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ये वक्त दिया था, उन्होंने कहा था भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है। तो केबी भी हमें ये सिखाता है, केबी से जैसे पहले होता राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना, हम भिन्न है, हमारी बोलियां भिन्न है, हमारे खाने के पहनावे भिन्न है, हमारे खाने के व्यंजन भिन्न है, लेकिन राष्ट्रीय भावना की फीलिंग जब आती है राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति हम एक हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भारत में एकता अनेकता होते हुए भी एकता है, विविधता में एकता देखने को मिलती है। आप अपनी कक्षा के अनुशासन को कैसे संभालेंगे? कक्षा के अनुशासन सर अगर संभालने की बात करें तो बच्चे से, जैसे मेरा फर्स्ट डे जब होगा तो क्लास में एंट्री लेने से पहले वहां के माहौल को जानूंगा, बच्चों का, जैसे वहां के अध्यापकों से कि बच्चे किस तरह से है, यहाँ का माहौल क्या है, बच्चे क्या पसंद करते हैं, भाषा कौन से पसंद करते हैं। तो जैसे क्लास में एंट्री लेने के बाद मैं उस चीज़ों को स्वयं जानकारी करूंगा कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे किस भाषा पसंद करते हैं, बच्चे किस तरह से सीखना चाहते हैं, वो खेल के माध्यम से सीखना चाहते हैं, संगीत के माध्यम से सीखना चाहते हैं, पजल गेम के माध्यम से सीखना चाहते हैं। मैं बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपने शिक्षण को आगे बढ़ाऊंगा। आप किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए क्या उसके लिए पाठ योजना बनाएंगे? सर किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए मैं जैसे मुझे मान लीजिए 4 की NCERT पढ़ानी हिंदी रिमझिम, तो मैं उसकी एक दिन पहले ही पाठ योजना बना करके रेडी रहूंगा और उसमें पाठ योजना को क्लास में प्रस्तुत करते समय पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाऊंगा। और यदि उसमें कोई बच्चा अपने प्रश्न को पूछता है तो बिना उसके ऊपर दबाव बनाए हुए मैं उसको और प्रोत्साहित करूंगा कि बच्चे, जितने भी क्लास के बच्चे, सारे बच्चे खड़े होकर प्रश्न को पूछे, क्योंकि जब बच्चा सर प्रश्न पूछेगा तो क्लास हमारा जो है, क्योंकि क्लास में मुझे ये देखने को मिलेगा हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं, बच्चे सीखना चाहते हैं, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कक्षा 4 का लेसन 4 की पाठ योजना आपने बनाई और आपने पूरा कोशिश किया कि हम इसको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे और बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से पूरी पाठ योजना को पूरी रात भर आपने मेहनत किया। सुबह तड़के उठे और नहाए और स्कूल में पहुँचे और बच्चों का प्रेयर हुआ, असेंबली होने के बाद बच्चे कक्षा कक्ष में गए और आप कक्षा में एंट्री करते हैं, बच्चे के साथ खड़े होते कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, कहते हैं प्रिंसिपल डॉन, और आप फिर पूरे उत्साह के साथ कहते हैं कि आज हम लेसन 4 पढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आज पढ़ने का मन नहीं है।
उस दशा में बतौर शिक्षक आप क्या करेंगे? उस दशा में सर, अगर मुझे लेसन मैं तैयार करके गया हूँ, बच्चे अगर कहते हैं आज पढ़ने का मन नहीं है, लेसन तो आप कल से तैयार हो, तो मैं बच्चे से पूछूंगा कि आज क्या करने का मन है आपका, खेलने का मन है या फिर गीत गाने का मन है या फिर कोई गतिविधि में चलने का मन है, या फिर जैसे बच्चे जवाब देंगे, मैं उन्हें अगर वो कहेंगे खेलने का मन है, तो मैं उस चैप्टर को खेल के माध्यम से बच्चे को पढ़ाऊंगा, और बच्चे को ये पता नहीं लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, बाद में बच्चा सीख भी लेगा और वो जो चाहता था बच्चा वो भी कर लेगा। मैं इस तरह की एक्टिविटीज करना चाहूंगा। अच्छा, कोई एक ऐसा लेसन मुझे बताइए जिसे आप बच्चों को गाकर कविता के माध्यम से या एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक ऐसा लेसन जो अभी तक तैयार हो या कोई ऐसा कविता आपको तैयार हो, कोई पोयम। यस सर, आप चार की बात किए, चार के लेसन का नाम है कि पापा जब पापा की तरह हम भी, इस तरह से लेसन का नाम सर भूल रहे हैं, और उसी से एक जुड़ा हुआ विषय दिया है उलझन, तो मैं उलझन की कविता सुनाता हूँ। चार का जो सर लेसन का नाम है मेरे हिसाब से, सॉरी सर, लेसन का जो नाम है पापा जब बच्चे थे, तो उसी में दिया है उलझन, तो मैं उलझन की कविता तैयार किया हूँ, उलझन की कविता सुनाता हूँ। तो एक दो लाइन हम चाहेंगे कि आपसे जानना। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, क्या किसी कविता में सुर ताल की भी उपयोगिता होती है? क्या सर, किसी आवाज भी नहीं कवर? अच्छा किसी भी कविता में सुर या ताल का एक कोई मतलब होता है? जैसे कोई कविता अगर आप कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनकी रस्सी, एक यस सपोज कोई कविता होती, क्या इसमें सुर ताल का भी मायने यस रखता है? यस सर, हमें देखिए सुर ताल लय जो रखा जाता है, इतने फर्स्ट वन से लेके फिफ्थ तक क्लास में बच्चे सुर ताल उतना नहीं, उनके साथ लय लेके चलना है और तुकान शब्दों को लेके चलना है, ताकि बच्चे गाने में उसको रुचि के हिसाब से ले और बच्चे गाए। ज्यादा हम सुर ताल मिलाए बच्चे गा ना पाए, फिर ये जरूरी नहीं है कि सुर ताल उसमें हो, उसमें लयबद्ध होना चाहिए और तुकान शब्द अक्सर मिलते रहे, जैसे जी जी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर, तो बच्चे को कहने में सरलता भी रहेगा, बच्चा आसानी से दोहराया भी बच्चा सीख भी जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू रमाकांत जी। तो सर कविता सुनाएं, स्टार्ट करें। जी सुनाए अगर कोई कविता हो तो। ठीक, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती, सॉरी सर, क्लास में इस तरह से मैं हाँ सही करना कर चाह रहे रहा हूँ, जिससे मैं हैं। डेमो क्लास दे रहा हूँ, हाँ, डेमो क्लास में देना चाह रहा हूँ, जैसे ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सुनिए। बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आओ। फाइन सर। ओके गौरव, जी सर। आप पढ़ के बड़े होकर के क्या बनेंगे? मैं तो सर इंजीनियर बनना चाह रहा था। इंजीनियर, शाबाश। मंजेश, आप पढ़ के क्या बनेंगे? सर मैं तो डॉक्टर बनूंगा। शाबाश, गुड। प्रियांशी, आप क्या बनेंगी पढ़ करके? टीचर, सर मैं तो टीचर बनूंगी। मेरी तरह, जी जी सर, गुड। आपकी तरह। शिवांश, आप क्या पढ़ के बनेंगे आगे? पुलिस, सर पुलिस। जी सर। बहुत अच्छी बात। चलिए, आप पुलिस बनेंगे, आप सब डॉक्टर बनेंगे, आप सब अध्यापक बनेंगे, आप सब इंजीनियर बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। आपकी तरह एक छोटा बच्चा है, वो जब अपने दोस्तों के पास जाता है, उसके दोस्त कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, मैं जो टीचर बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, तो बच्चा समझता है कि मैं क्या बनूंगा, मैं डॉक्टर भी मैं बन लूँ, मैं इंजीनियर भी बन लूँ, मैं अध्यापक भी बन लूँ, मैं क्या बनूँ, बच्चा लेकर के उलझन हो जाता है और अपने घर में अपने घर आके गीत के माध्यम से कहता है, अपने दोस्तों को सुनाता है, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। मेरे साथ आप लोग भी पीछे पीछे दोहराएंगे, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर,
दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। गौरव आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आप भी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, हाँ अच्छी सर। बात है। ओके आगे चलते हैं। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। दीदी कहती घर में ही रहकर उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। गौरव आप शिवान से क्या कह रहे थे? सर किसान अच्छा कह रहे थे कि मैं फौजी बन के देश की रक्षा करूंगा। शाबाश, आपके गांव में कोई फौजी है? जी सर। बिल्कुल। वो कैसे कपड़े पहनते, ड्रेस पहनते एक ना? हाँ सर। अच्छा बंदूक टांग के आते हैं आप सब? गौरव, मंजेश, प्रियांश, प्रियांशी, आप सब ये करके आइए कि मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आपके गांव में जो डॉक्टर हैं उनका कार्य क्या है? वो कहाँ जाते हैं? उनकी ऑफिस कहाँ है? जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं वो कंप्यूटर कहाँ चलाते हैं? और जो प्रोफेसर हैं, जो अफसर है, सबकी और कलेक्टर है, कहाँ जाते हैं? इनकी ऑफिस क्या है? इनके काम क्या क्या है? आप सब पता करके कल आइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा। चलिए तो थैंक यू आपका इंटरव्यू को, जो मॉक इंटरव्यू था यहीं पे समाप्त करते हैं। और थैंक यू आपका कि आपने इलानी पत्रगैस के इस मॉक इंटरव्यू में शामिल हुए। तो रमाकांत जी अपना व्यू दीजिएगा कि ये इंटरव्यू देखा वो कैसा है महसूस हुआ कि ऑनलाइन आप अपने घर पे बैठकर अपने कमरे पे बैठकर आपने इस मॉक इंटरव्यू को दिया, कैसा फील हुआ और लोगों को क्या कहेंगे आप इसके लिए? मैं लोगों को यही कहूंगा सर कि आज के जमाने में जैसे अगर चल रहा है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया से घर बैठे सेवाएं ले सकते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर पे बैठ करके जैसे आपने किया, तो एक या दो तीन इंटरव्यू देने के बाद तो आपके अंदर खुद ही जो आप पहले असहज महसूस कर रहे थे वो अपने आप को सहज महसूस करेंगे और आसानी से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसी कोचिंग में जा करके समय बर्बाद करना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। अगर सोशल मीडिया है, आईसीटी से हम लोग जुड़े हुए भी हैं, केबी में जाकर के कंप्यूटर से भी शिक्षा देनी है तो थोड़ी जानकारी इससे भी होगी। चलिए आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो फेसबुक पेज लेनी विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल लेनी विद दुर्गेश पे लाइव चल रहा था, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से मॉक इंटरव्यू देना तो नीचे नंबर स्क्रॉल चल रहा है उस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। DFF जो एक फॉर्म होता है KVS का, उस फॉर्म को पूरा कंप्लीट भर लीजिएगा एक लिंक के माध्यम से। उसके बाद भी हम आपके साथ मॉक इंटरव्यू करेंगे और वह इंटरव्यू का फॉर्म आपको सेम हूबहू आपको इंटरव्यू में हॉल में जाने से पहले भी आपको भरना पड़ेगा, और जो पूरा इंटरव्यू होता है उसी फॉर्म पे होता है। इसके बाद हम रमाकांत जी को मार्किंग करेंगे कि इन्हें हमने 30 में कितने मार्क किए हैं और आप इन्हें कितने मार्क्स देते हैं 30 में, कमेंट करें जरूर बताइएगा कि KVS के इस मॉक इंटरव्यू के सीरीज में आप रमाकांत जी को 30 में कितने मार्क्स देते हैं। तो आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को शेयर करिएगा, रमाकांत आपको भी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। थैंक यू, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा।